हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास इलेवेंथ की जर्नी। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्री के साथ। अब क्लास टेंथ में आप ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग तो पढ़ चुके हैं, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। इस साल आप क्या पढ़ेंगे बच्चों, एक बात बताओ, एक मैक्सिमम एंगल कितने डिग्री का हो सकता है? आप बोलोगे सर 360 डिग्री, एक पूरा सर्कल। मैं बोलूंगा बेटा एंगल 360 से बड़ा भी हो सकता है सर। हाँ, 360 छोड़ो, 450 भी हो सकता है। अच्छा एक चीज और बताओ, सबसे छोटा एंगल कितने का? 1 डिग्री? ना, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री होती है? हाँ बेटा पढ़ा तो था, साइन 0 डिग्री याद है, साइन 90। अच्छा हाँ सर, ठीक है। पर एक चीज बताओ, एंगल नेगेटिव भी हो सकता है, ये कैसे होगा वो सब कुछ पढ़ाता हूँ। आओ सबसे पहले ये समझते हैं कि एंगल फॉर्म कब होता है। देखो बेटा, आपको पता है एंगल तब फॉर्म होते हैं जब दो लाइंस क्या करे, मीट करे। एक एंगल तब फॉर्म होगा जब दो लाइंस मीट करे, राइट? तो ये दो लाइंस है, मीट करी तो एक थीटा फॉर्म हो गया। सिर्फ लाइंस के मीट करने पर भी नहीं, एक चीज और भी है। मान लो मेरी लाइन है, ये मूव कर जाए, क्या हो जाए बेटा, ये मूव कर जाए ऐसे करके, लेट्स से। यानी ये लाइन यहां पर थी, अब ऊपर आ गई। दिखाऊं कैसे? एक लाइन थी, अब ये क्या हुआ, राइट? ये एक लाइन थी ना, अब ये क्या हुआ, ऐसे करके ये मूव कर गई हल्का सा, दिख रहा है? थोड़ा सा और मूव कर दे इसको हल्का सा, लो बेटा और मूव कर दिया। तो क्या हो रहा है, यहां पर भी तो एंगल फॉर्म हो रहा है। तो दो लाइंस मीट करे या एक लाइन रोटेट करे, तब एक एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। अब एक बात समझना, जो लाइन रोटेट करती है उसे बोलते हैं इनिशियल रे, जो स्टार्टिंग वाली लाइन होती है उसे बोलते हैं इनिशियल रे, और जो एंड वाली होती है उसे बोलते हैं टर्मिनल रे। अभी ऊपर करे नीचे करे वो एक अलग मैटर है। अब एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है? अगर लाइन एंटी क्लॉकवाइज मूव करे तो वो पॉजिटिव एंगल बनाएगी, और लाइन अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो नेगेटिव एंगल। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के एक बार बताते थे। देखो आपको पता है क्लॉक होती है, ये क्लॉक कैसे, इस क्लॉक में जो हैंड्स होते हैं मिनट हैंड या आर हैंड, कैसे मूव करते हैं? ऐसे मूव करते हैं इस डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। अब अगर एक लाइन क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, यानी ये हमारी लाइन थी एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऊपर की तरफ मूव कर जाए ऐसे करते हुए इस डायरेक्शन में, तो यहां जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज पॉजिटिव। यहां एंगल पॉजिटिव थीटा फॉर्म होगा, कब? जब एंटी क्लॉकवाइज है। बट मान लो यही लाइन क्या हो, क्लॉकवाइज मूव कर जाए, यानी नीचे की तरफ आ जाए, अब एंगल क्या होगा, नेगेटिव। अब एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस थीटा। तो आपको सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट पता लगा। अब इस साल हम पढ़ेंगे एंगल्स को हम डिनोट किस फॉर्म में करते हैं। मेजर्स ऑफ एंगल, यानी एंगल्स को हम जो नापते हैं या मेजर करते हैं किस किस में फॉर्म में करते हैं। बेटा हमारे दो मेथड्स होते हैं, यानी दो मेजरमेंट होती है, एक होती है डिग्री मेजर, एक होती है रेडियन मेजर। डिग्री मेजर क्या है, इन टर्म्स ऑफ डिग्री, जो अभी तक आपने बचपन से पढ़ा था 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसे बोलते हैं डिग्री मेजर। जब आप एंगल को डिग्री के फॉर्म में लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, एंड 15 डिग्री, एक्सेट्रा। अब रेडियन क्या है, अब इसको पहले समझते हैं, रेडियन है क्या चीज। बेसिकली रेडियन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है, जब एक सर्कल के अंदर, जब एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना हो,
वन यूनिट रेडियस वाला सर्कल, उसके अंदर जब वन यूनिट की आर्क बन जाए तो वहां जो एंगल है उसे हम रेडियन बोलते हैं। तो दोबारा समझाओ, मैं क्या समझाता हूं, एक रेडियस यूनिट वाली यानी एक सेंटीमीटर, एक मीटर, कुछ भी आप ले सकते हो, वन मीटर, वन सेंटीमीटर, कुछ भी ले लो, वन यूनिट लेंथ वाली रेडियस क्या करे, जब वन यूनिट की ही आर्क बनाए तो वो जो एंगल बना उसे हम रेडियन बोलते हैं। ये हो गया वन रेडियन। अच्छा, रेडियन को सी से डिनोट करते हैं। अच्छे से हो सकता है क्लियर ना हो तो बहुत टेंशन लेना, हमारे काम का नहीं है इसका मीनिंग इतना ज्यादा। ओके, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। यदि मान लो मैं एक एग्जाम्पल कहता हूँ छोटा सा इसको समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ रेडियस 1 सेंटीमीटर है, आपको याद होगा आर्क आपने पढ़ी थी, तो 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल के अंदर जब 1 सेंटीमीटर की आर्क बन जाए, आर्क क्या होता है, सर्कल की बाउंड्री, ठीक है, तो वहां जितना एंगल होगा उसे हम बोलेंगे 1 रेडियन। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो। तो रेडियन क्या हुआ, और अब मैं अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ, रेडियन क्या है इन टर्म्स ऑफ पाई, ये मेरी लैंग्वेज है जो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। तो डिग्री क्या है, डिग्री की टर्म्स में, और रेडियन क्या है, पाई की टर्म्स में। अब कैसे वो मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जिसका 180 डिग्री को रेडियन में पाई बोलते हैं, 180 डिग्री को रेडियन में पाई बोलते हैं, ओके। अब बना कैसे, क्या है, वो सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो कन्वर्जन फॉर्मूले काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है, कि अगर डिग्री दे रखा हो तो उसे रेडियन में कैसे निकालेंगे, और रेडियन दे रखा हो तो उसे डिग्री में कैसे निकालेंगे। देखो, पहला रेडियन मेजर में निकालने के लिए क्या करो, डिग्री मेजर को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, और उल्टा अगर रेडियन मेजर गिवन है डिग्री में निकालना है तो क्या करो, इंटू 180 बाय पाई। आओ मैं जरा एग्जांपल देके समझाता हूँ। पहले फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री की बात करते हैं, 90 डिग्री कितना हो जाएगा, क्या लिख भी देते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर। ये भी कोई बुक का नहीं है, कुछ कहीं का भी नहीं, मैं अभी अपने दिमाग से कर रहा हूँ बेटा। जैसा मैंने आपको बोला 90 डिग्री, तो इसको रेडियन में कैसे लिखोगे, सिंपल है, 90 into π/180 कितना हो जाएगा बेटा, ये π/2। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, मैंने बोला लेट से 120 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 120 into, आप ऐसे सी लिख सकते हो या आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, π/2 रेडियन, 120 into π/180 कर दो, कितना हो जाएगा, ये मेरा जाएगा 60 डिबल में, तो 2π/3 रेडियन, ठीक है। चलो अब मैं और पॉइंट कहता हूँ, मान लो मेरे पास हो -25 डिग्री, ये क्या होगा, सिंपल है, मैंने बोला था एंगल नेगेटिव हो सकता है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये -25 into π/180 कट करो, -5π/36। वैसे आपकी बुक के अंदर मैं बता दूं, ये आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है, बट वहां पॉजिटिव 25 है, मैंने चेंज कर दिया, नेगेटिव कर दिया, ओके। आई होप थोड़ी बात समझ आई हो। चलो मैं आपको कुछ और देता हूँ, जल्दी से ये करके दिखाना, इससे पहले मैं करूँ, मैं आपको पॉइंट्स लिख के दे रहा हूँ, कौन कौन से, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री 270 डिग्री
360 डिग्री, ये बहुत अच्छे से आपको लर्न भी होने चाहिए। 30 डिग्री में आंसर बोलूंगा, चेक करो कि आपने सही करा नहीं करा, और अगर नहीं करा तो पॉज करो, पहले तो पॉज करो और अटेम्प्ट करो। 30 डिग्री, 5/6, 45, 5/4, 60, 5/3, 270, 3π/2 और 360, 2π आ जाएगा। फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो। ओके, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आपको समझना है, नोट इस पॉइंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि 1 डिग्री, डिग्री ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। अब ये क्या है सर? बेटा देखो, आपको पता है आपका एक 360 डिग्री होता है, एक सर्कल है वो 360 डिग्री का है। बेसिकली 360 डिग्री मतलब क्या है कि इस सर्कल के मैंने 360 पार्ट्स कर दिए, है ना, ऐसे करते करते। तो जो एक पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, राइट। अच्छा जी, अब मैं इस 1 डिग्री को जरा नेक्स्ट पेज पे जूम करता हूँ। अब मान लो ये मेरा 1 डिग्री हो गया, ये जूम कर दिया मैंने, इस 1 डिग्री में मैंने क्या कर दिए, 60 पार्ट्स कर दिए, ऐसे करते करते 60 पार्ट्स है। ये जो 60 पार्ट्स है इसमें एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक पार्ट को क्या बोलते हैं हम, 1 मिनट। यानी 60 पार्ट्स, उन पार्ट्स को हमने मिनट्स बोल दिया, राइट। अब मैं इस मिनट को ले रहा हूं, ये 1 मिनट है, इस पर डिग्री नहीं है। अब इस मिनट के भी मैंने क्या कर दिए, 60 पार्ट्स कर दिए, ऐसे करते करते 60 पार्ट्स। तो इस 60 पार्ट्स में एक पार्ट को लिया तो वो एक पार्ट क्या है आपका, 1 सेकेंड। ये आवर्स वाला नहीं है कहीं, आप सोचो आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स, ये डिग्री वाला है। डिग्री के अंदर पार्ट्स होते हैं क्या, डिग्री, डिग्री पे आते हैं मिनट्स पे, मिनट्स पे आते हैं हम सेकेंड्स पे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो। तो क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 1 पिक करते हैं। एग्जांपल 1 क्या है, कन्वर्ट, कन्वर्ट 47 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। इसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। एक बात बताओ, क्या कन्वर्ट कर सकते हैं इजली, क्या ये सिर्फ डिग्री में या मिक्स में है? ये बेटा मिक्स में है, ये डिग्री, ये मिनट्स। और मेरे जो फॉर्मूले वो किसको कन्वर्ट करता है, मिक्स को करता है, डिग्री को, डिग्री को। तो समझो, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस मिनट को डिग्री में चेंज करूंगा। कैसे बेटा, ये जानो, मेरे को पता है 1 डिग्री क्या होता है, 60 मिनट्स के इक्वल। अब सोच के बताना, 60 मिनट से डिग्री पे जाना है, मिनट से डिग्री, डिवाइड या मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे। यहाँ कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगी तो एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं, जैसे मैंने बोला 4 आवर्स 30 मिनट्स, तो अगर आप इसे आवर्स में बोले तो क्या बोलते, यू विल से 4.5 आवर्स, राइट। कैसे निकालते हैं, सोचा है, 4 प्लस मिनट्स को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड, चेक कर लो, 4:1/2 यानी 4.5 बोलते हैं। तो उसी तरह यहां पर भी क्या करूंगा, अब इस पूरे को मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा, 47 डिग्री 20 मिनट्स को, 47 प्लस 20/60 डिग्री, 47 प्लस 1/3 डिग्री, करो कितना हो जाएगा, 3 into 47 मैंने कर देता हूँ इसको, तो मेरा क्या 120 और It was 40 degree, not 47. Let's correct it.
ये 40 डिग्री था, तो 40 प्लस 1 बाई थ्री, अब ठीक है ये हो गया 121 बाई थ्री। मेरे को क्वेश्चन याद था कि इसका 121 बाई थ्री होता है, ठीक है कई बार करा चुके इसलिए। अब एनीवेज इस पे आते हैं, 121 बाई थ्री ये किस में आ गया, डिग्री में, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 121 बाई थ्री इंटू पाई बाय 180 कितना आ गया आंसर, 121 पाई बाय 5 40 रेडियन। अटेम्प्ट करे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसे नोट करें।